नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए सितंबर 2023 का ये महीना कैसा जाता हुआ नजर आएगा, कौन कौन सी जगह पर आप सभी को बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलना है, कहां कहां पर आप सभी को बड़े अच्छे फायदे मिलते हुए नजर आएंगे, कौन सी तारीख आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी और किस तारीख पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेचर आपका किस तरह से रहेगा। उससे भी पहले अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो 7 नंबर मतलब कि तुला राशि पर अगर बैठा हुआ है तो ये जो जानकारी दी जा रही है ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका नेचर आपके लिए कितना अच्छा और कितना खराब इस महीने जाता हुआ नजर आएगा। शुरुआत अगर देखें यहां पर तो शुरुआत से ही थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होता हुआ नजर आएगा। अपने स्ट्रेस को पूरी तरह से कंट्रोल में रखिएगा, इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर मैं आपको कहूं तो मोर ओवर जितना मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं 1 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का समय जो है उसमें किसी न किसी चीज में आप उलझे हुए रहेंगे, आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगे ये भी आप कह सकते हैं। और ये इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफी ज्यादा घनिष्ठ आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल जिसको हम कहते हैं वैसा वाला रहेगा। तो आपको किसी भी चीज के लिए समय निकालने में बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली के लिए हो जाए, चाहे वो हेल्थ के लिए हो जाए, चाहे वो बच्चों के लिए हो जाए, चाहे वो परिवार में किसी सदस्य के लिए हो जाए, चाहे अपने किसी जरूरी काम के लिए हो जाए। 1 से 22 तारीख तक के बीच में कामों में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना होगा। 1 से 22 तक के बीच में लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखने की जरूरत है। ट्रस्ट मी, अगर फ्रॉम द डे 1 अगर आपने शेड्यूल मेंटेन कर लिया तो ये समय आपका बहुत बहुत ज्यादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। बट अगर आपने शेड्यूल मेंटेन नहीं किया तो ये समय आपका काफी ज्यादा परेशानियों में उलझता और उलझाता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। सेहत के मामले में भी मैं कहूंगा शुरुआत से ही अपनी सेहत पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। कौन कौन सी डेट्स आपके लिए हेल्थ के लिए ज्यादा खराब होंगी ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक का समय आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। फिर थोड़ा सा बैलेंस होगा, थोड़ा सा ओके यहां पर चलता जाएगा एंड उसके तुरंत बाद यहां पर देखा जाए तो ये समय आपका रहेगा 17 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक का समय। ये बहुत ज्यादा कठिन समय है 17 से 22 के बीच में। सेहत को लेकर के लापरवाही ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना हो सके सेहत को लेकर के अपने आप को केयरफुल रखने की कोशिश करिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी को स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग इन सभी से अपने आप को बचाना है। 1 से 3 के बीच में गाड़ी चलाते समय सावधानी रखिएगा। 17 से 22 के बीच में अननेसेसरी की चीजों में उलझने से अपने आप को बचाइएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको अस्थमा है या फिर किसी भी तरह से दमे की बीमारी है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं यहां पर आपके करियर का ग्राफ कैसा बनता हुआ नजर आएगा। देखिए नेचर बता रहा है कि डिसिप्लिन तो मेंटेन करना है और जब डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो वो डिसिप्लिन आपके करियर में भी अप्लाई हो जाएगा। इस वजह से इस समय में आपको बहुत बहुत आराम से आगे बढ़ने की जरूरत है। जॉब चेंज करना चाहते हैं, करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, आप बेशक आराम से कर सकते हैं 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक। इवन तो 10 की जगह 12 तारीख भी कर देंगे यहां पर तो ये समय आपका बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। सर्च करने के लिए, चेंजेस के लिए, नई जॉब में इन्वॉल्व होने के लिए और अपने सीनियर्स के साथ किसी तरह की कोई बातचीत करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएंगी। ये समय आपके करियर को बनाने का, आपके करियर को बैलेंस करने का और अपने करियर में नई चीजों को तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करने का समय है। पैसे आते हुए नजर आएंगे, फाइनेंस अच्छा होता हुआ नजर आएगा, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और यही समय बिजनेस के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। 1 से 12 के बीच में कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या किसी बिजनेस की प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं रहेगी। आप सभी को
16 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक थोड़ा सा बिजनेस में या फाइनेंस में ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। ये समय नुकसान का समय है, यहां पर नुकसान नहीं होना है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि हमने बता दिया है। तो मेक श्योर इस समय को आराम से निकाल दीजिएगा ताकि नुकसान से बचेंगे और अननेसेसरी की चीजों में अपने आप को नहीं उलझाएंगे। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा फाइनेंस का वो पूरे महीने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। पैसों को लेकर के ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत अच्छे योग यहां पर बनते हैं, तो इसीलिए कोई अच्छी प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा आराम से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं यहां पर रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप के लिए ये जो महीना है ये बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग महीना है। टू बी ऑनेस्ट आप सभी को कई तरह के एग्जाम से पास होना पड़ सकता है, मतलब कि बार बार आपकी अग्नि परीक्षा ली जाए। तुला राशि बहुत संभल के रहिएगा क्योंकि ये समय रिलेशनशिप के लिए एक अनस्टेबिलिटी को यहां पर लेकर के आता है। लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, इसीलिए किसी को भी अपनी जिंदगी में आने से लाने से पहले दो बार बहुत गहराई के साथ सोचिएगा कि दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन फॉर मी और इट इज अ बैड पर्सन फॉर मी। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं सोचेंगे नहीं समझेंगे तो फिर आपको इसके आंसर्स नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए इस चीज का तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलना है। So, यहां पर अगर देखा जाए रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर समझा जाए तो ये जो समय रहेगा ये रिलेशनशिप में शुरुआत से ही दिक्कतें देगा, मतलब कि आपको 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक के बीच में रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। ये एक तरह से चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए। ये समय जैसे ही निकल जाता है थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी एंड देन आपका 14th ऑफ सितंबर से लेकर के 18th ऑफ सितंबर तक के बीच में फिर एक चैलेंजिंग टाइम आएगा जो आपको परेशान करता हुआ नजर आएगा। हार्ट ब्रेक टाइम जिसको हम कहते हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन के फेसेस देखने को मिल सकते हैं, इस तरह का योग यहां पर बनता है और इस वजह से ये ग्रह स्थिति जो है ये काफी ज्यादा उलझती हुई दिखाई देती है। केतु जो है आपका ये बहुत बहुत हिडन रोल प्ले यहां पर कर रहा है और ये रिलेशनशिप को फ्लक्चुएट करने का काम कर रहा है, अप एंड डाउन जिगजैग ग्राफ यहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह की योग यहां पर दिखाई देते हैं। एंड ठीक उसके बाद यहां पर देखा जाए तो आपको 27 तारीख के आसपास फिर थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में ध्यान रखना है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। स्टडी के लिहाज से यहां पर देखा जाए तो स्टडी में ये समय बहुत ज्यादा मेहनत वाला है। आप अगर कोई शेड्यूल बनाएंगे पढ़ाई का तो शायद वो शेड्यूल आपका पूरा ना हो पाए, आप मेहनत करेंगे पर मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना निकल पाए, तो आपको अपनी मेहनत को डबल करना है। डबल मेहनत करेंगे तो रिजल्ट निकलने के चांसेस फिर भी बनते हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से आप सभी को थोड़ा सा यहां पर अपनी स्टडी पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तुला राशि मेहनत करने के बाद प्लस स्पिरिचुअलिज्म में अपने आप को इन्वॉल्व करके, भक्ति भाव में अपने आप को इन्वॉल्व करके ही आप रास्ते को बना पाएंगे। अगर आप नास्तिक हो जाते हैं तो ये महीना आपके लिए खराब हो जाएगा, आप अपनी सफलताओं पर नहीं पहुंच पाएंगे, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये चीज तो क्लियर दिखाई देती है। इस वजह से डिसिप्लिन मेंटेन करना है, स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, एक प्रॉपर सिक्वेंसिंग के साथ फोकस होकर के काम करना है और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिज्म में आकर के काम करना है तो आपका काम और आसानी से बनता हुआ नजर आएगा। सो ओवरऑल पूरा महीना कैसा जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है, एंड उम्मीद करता हूं कि आप इस महीने को और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपके आसपास कोई भी तुला राशि का पर्सन है जो काफी ज्यादा परेशान है अपनी जिंदगी में, इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आई होप कि वो भी अपना सितंबर का महीना अच्छा बना पाए और आपके कह सकते हैं कि आपकी मदद से वो थोड़ा सा अपने रास्ते को बेहतर बना करके आपको भी पुण्य कमाने का मौका दे पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।